ड्राई स्टेट घोषित होने के बावजूद बिहार में लोगों की मौत शराब पीने से हो रही है, लेकिन दूसरी ओर एक अजीबोगरीब मामला मोतिहारी से सामने आया है, जहां सरकारी विद्यालय में बच्चों को शराब का मुहावरा पढ़ाया जा रहा है। क्लासरूम में बोर्ड पर मुहावरा पढ़ाया जा रहा है, उसमें लिखा है हाथ पांव फूलने का मतलब समय पर शराब का न मिलना है, कलेजा ठंडा होने का मतलब एक पैग गले से उतरना है, नेकी कर दरिया में डालने का मतलब फ्री में दोस्तों को पिलाना है। इस तरह के मुहावरे सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखे गए हैं, जिसकी तस्वीर अब खूब वायरल हो रही है। तस्वीर जिले के ढाका प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय जमुआ की है। वो आरोप लगाया गया मेरे पे, बीओ साहब और सुलेखा कुमारी एचएम प्रभारी जो है मेरे पर आरोप लगाई है, वो गलत आरोप लगाई है, वो खुद से लिखी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे से केस कैसी सब चल रहा है, मुकदमा किए हुए हैं इसके लिए। वो सोच रही है कब से हम इसको फंसाते जाए फंसाए, तो हमको 6 महीना पहले से बोल रही है कि अरे हम ऐसे कर देंगे, कोई बोला कि ऐसे खींच लिया हुआ है। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कल बीओ साहब ने मुझे ये किए व्हाट्सएप किए ब्लैक बोर्ड का, तो हम तो डर से हड़बड़ी में क्या किए कि उनको क्षमा प्रार्थी हम कहीं भेजे हो, अब वहां से आया कि ऐसे ऐसे भेज देने। अमित, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, बच्चों को ये अनोखी शिक्षा दी जा रही है, मुहावरे को शराब की बात से जोड़ी जा रही है, किस तरीके से मामला संज्ञान में आया है और क्या कार्रवाई की गई है इस पर? बिल्कुल, इसका बता दूं कि बिहार सरकार जो है बिहार को, पूरे बिहार को ड्राई स्टेट घोषित किया है और लगातार शराबबंदी की बात कही जाती है। हालांकि शराब पीने से मौत भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि मोतिहारी में एक सरकारी विद्यालय है जहां मुहावरे के तौर पर शराब का अर्थ समझाया जाता है कि शराब के सेवन का मतलब क्या है, कैसे शराब पीते हैं और शराब के फायदे क्या है। एक ये बड़ा मामला उजागर हुआ है, इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है मतलब कि पूरे तरह से चौकन्न है कि आखिर यह मामला हुआ कैसे और इतनी बदनामी क्यों हो रही है। इस को लेकर जो है जो क्लास टीचर है उनके ऊपर आरोप लगा कि ये बच्चों को इस तरह का शिक्षा देती है बोर्ड पर लिखकर। हालांकि इस बात से शिक्षिका ने साफ तौर पे इनकार किया है और इस पूरे मामले में ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी जो है वो स्पष्टीकरण मांगे उस महिला शिक्षिका से जिनपे आरोप लगा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है और एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया उस शिक्षिका ने, जहां जो वर्तमान में प्रचार जो है प्रभारी प्रचार हैं और इन ये जो आरोपी शिक्षिका है इन दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा है, मारपीट की भी घटना घटित हुई थी जिसमें थाने में मुकदमा भी चल रहा है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को लेकर हमें उलझाया जा रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे मामले में जब तक उच्चाधिकारियों के माध्यम से इस मामले की जांच नहीं होती है तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ये मामला क्या है और किसने शिक्षा विभाग पर ये धब्बा लगाया है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।